नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टूडियो में बात करने वाले हैं GDS BPM का जॉब प्रोफाइल के बारे में। नेचर ऑफ जॉब क्या है, मतलब किस तरह का जॉब है, क्या है नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव सब बात बोलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पता चलेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया पोस्ट में एज ए GDS BPM। 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था और अभी तक GDS BPM में है। कुछ लोग कमेंट भी किया था, सर आपने प्रमोशन क्यों नहीं लिया, एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो देखो, इस वीडियो में वही चीज़ पता चलेगा, हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने 4 साल का वही बता रहे हैं। नेचर ऑफ जॉब ये जो इंडिया पोस्ट GDS BPM का है उसी से पता चलेगा। एक्चुअली क्या है कि इंडिया पोस्ट GDS एक तरह से सोचो कि ब्रांच ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस का हेड है, ब्रांच ऑफिस में काम हो रहा है, मतलब रेंट पे लिया जाता है ऑफिस और उसी को चलाया जाता है। वहाँ के जो लोकल कस्टमर लोग हैं उनको 4-5 गांव दिया जाता है, उसी गांव के अंडर के लोग डिपॉजिट विड्रॉल करने आता है, लेटर पोस्टिंग करता है। तो जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आता है इंडिया पोस्ट में वो सब चीज़ वहाँ पे होता है। तो सारा कर्ता धरता जो है BPM ही होता है, इंडिया पोस्ट BPM, ठीक है। जैसे गाँव घर का मुखिया होता है ना, अंचल प्रधान होता है, मुखिया सब जो होता है, कुछ भी स्कीम आता है ग्रामीण लेवल सबका तो मुखिया ही सब कुछ देखता है। उसी तरह मुखिया तो नहीं होता है, वो लोग तो इलेक्शन जीत करके आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका 10th में कितना नंबर है, मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है, हाईएस्ट नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और सीट लगभग एक ग्राम पंचायत में बहुत सारे गाँव रहता है, यहाँ पे 4-5 गाँव मिला करके वो पोस्ट मास्टर यानी BPM बनता है, ग्रामीण पोस्ट मास्टर होता है। और उसको क्या करना रहता है, जितने भी डिपॉजिट विड्रॉल का काम रहता है, अकाउंट ओपनिंग का काम होता है, जैसे सेविंग अकाउंट हुआ, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट हुआ, जैसे टर्म डिपॉजिट हुआ, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट हुआ, जैसे आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट हुआ, बहुत तरह का अकाउंट खुलता है इंडिया पोस्ट में, मतलब ब्रांच ऑफिस में, तो वह सब अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक। और उसमें कुछ कुछ स्कीम में कमीशन भी मिलता है, तो BPM को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ जॉब के थ्रू आपको पता चलेगा कि BPM बनने से क्या फ़ायदा होगा और लॉस, तो लॉस क्या मतलब, लॉस तो कुछ होता ही नहीं है। BPM का सैलरी भी ज़्यादा रहता है BPM या डाक सेवक से, तो कंपेरिजन अगर बोला जाए डाक सेवक और BPM में तो BPM ही बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल काम करना रहता है, टका लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन का। लॉस यही है कि जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है, कैलकुलेशन जिसका फास्ट अच्छा नहीं है, किसी को 20,000 विड्रॉल करने आया तो उसको 22,000 रुपया गिन करके दे दिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और पब्लिक हैंडलिंग अच्छा होना चाहिए, जो पब्लिक हैंडल नहीं कर पाता है, पब्लिक से अच्छे से पोलाइटली बात नहीं कर पाता है, तो उन लोगों के लिए BPM पोस्ट अच्छा नहीं है। यही सब डिमेरिट्स है। BPM पोस्ट पे आप सिलेक्शन लिए तो डिपार्टमेंट आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे टारगेट्स देंगे फिलअप करने के लिए, रिवेन्यू जनरेटिंग जो अकाउंट खोलना रहता है, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट हुआ, सुकन्या अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, TD हुआ, इंश्योरेंस हुआ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हुआ, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हुआ, तो बहुत तरह का जो अकाउंट होता है वो सब रिवेन्यू जनरेटिंग काम होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बोलेगा कि इतना अकाउंट खोल के दो, उतना अकाउंट खोल के दो, या 50 लाख का सम एश्योर करके दो, 1 करोड़ का सम एश्योर करके दो इंश्योरेंस, 20 सुकन्या अकाउंट खोल के दो, 50 रेकरिंग डिपॉजिट खोल के दो, तो इस तरह से ढेर सारे बोल देगा, 100 POSB अकाउंट खोल के दो 1 महीने के अंदर। तो ये सब प्रेशर आपको आएगा। और मान लो कि जहाँ का ग्रामीण लोग इंटरेस्टेड नहीं है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे अकाउंट खोलना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत होगा, कोई अकाउंट खोलेगा ही नहीं आपके बात पे। तो जिसको कन्विंसिंग पावर कम है, जो कम कन्विंस कर सकता है, उन लोगों के लिए BPM पोस्ट एकदम बेकार है, ठीक है। तो अगर आपका BPM पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ तो ये सब चीज़ टेक्निक आपको आना चाहिए, क्वालिटी, ये आपका जो टैलेंट है आना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका आपको आना चाहिए, लोगों को कैसे समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है पोस्ट ऑफिस का जितने भी स्कीम आता है, SBRD, TD, SSA, RPLI, PLI, सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है नहीं है, उसका मेरिट डिमेरिट सब कुछ, अकाउंट के बारे में लाभ प्रोसेस सब, लाभ हानि सब जानना पड़ेगा। तो पब्लिक को भाई वही सब चीज़ आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक आपसे अकाउंट खोल सकता है। तो अगर ये सब चीज़ कन्विंसिंग पावर आप में अच्छा नहीं है, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते बोल करके, तो BPM पोस्ट अच्छा नहीं है। तो जॉब प्रोफाइल BPM का यही रहता है, अकाउंट सब बहुत सारे खोलना पड़ता है, टारगेट्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये टारगेट्स फिलअप करना ही पड़ेगा, और जो लोग
जो लोग किसी को कन्वेंस नहीं कर सकते उन लोगों के लिए बीपीएम ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है अकाउंट ओपनिंग तो करना ही है, प्लस टारगेट्स पे टारगेट्स फिलअप करना रहता है। फिर वही जो अकाउंट खोल लेते फिर उसका कैश हैंडलिंग करना रहता है। जैसे मान लो आप 50 आरडी खोल दिए तो उसका महीने महीने जमा भी करना पड़ेगा। जैसे मान लो 20 आप आरपीएलआई कर दिए तो उसका महीने महीने डिपॉजिट भी तो होगा। तो ये सब चीज़ होता है, डिपॉजिट विड्रॉल सब करना पड़ेगा आपको, कैश हैंडलिंग करना पड़ता है बीपीएम को, अकाउंट खोलना पड़ता है, मेल जो सब ऑफिस से आता है वो मेल आपको रिसीव करना पड़ेगा, दर्पण डिवाइस से जो मोबाइल मिलता है उसमें आपको रिसीव करना पड़ेगा। फिर बीपीएम को 2 स्टाफ दिया जाता है, जब ऑफिस थोड़ा बड़ा रहता है, हाईलोडेड ऑफिस रहता है, 2 स्टाफ दिया जाता है, एक एबीपीएम रहता है, एक डाक सेवक रहता है। कहीं कहीं बीओ में सिर्फ एक बीपीएम, एक एबीपीएम या एक डाक सेवक रहता है, 2 ही स्टाफ रहता है। जहाँ पे ऑफिस थोड़ा ज़्यादा काम होता है, लेन देन होता है, तो वहाँ पे 3-3 स्टाफ भी रहता है। तो एक बीपीएम पे 2 स्टाफ दिया जाता है, तो उसी से सारा काम करना रहता है, मेल डिलीवरी करवाना रहता है, मेल एक्सचेंज करवाना रहता है, जैसे सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस मेल एक्सचेंज करता है, वो डाक सेवक का काम रहता है। सारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बीपीएम के ही पास रहता है, तो बीपीएम ही सब कुछ मैनेजमेंट करना रहता है, ठीक है, का लेटर किस तरह से डिलीवर करना है, कुछ कुछ हिंट भी करना रहता है बीपीएम को, एबीपीएम को कॉपरेट भी करना पड़ता है, एबीपीएम को भी बीपीएम को कॉपरेट करना रहता है। तो इस तरह से कॉपरेशन आपको कॉपरेट होकर काम करना पड़ेगा, तो ढेर तरह का काम रहता है। और उसके बाद आपको ढेर सारे जर्नल मेंटेन करना रहता है, SBI RD TDSSC RPLI PPB, ढेर तरह का जो भी अकाउंट आप करते हैं वो सब का जर्नल मेंटेन करना रहता है। डेली आपको मेल रिसीव करना रहता है, मेल छोड़ना रहता है, मेल डिस्पैच करना रहता है, डेली आपको बीओ जर्नल मेंटेन करना रहता है, डेली आपको कैश रेमिटेंस देखना रहता है, एक्सेस कैश हुआ है तो कैश रेमिटेंस भी करना रहता है, ठीक है, तो सारा चीज़ देखना पड़ता है। फिर ऑफिस में जितने भी PR बुक रहता है, प्रीलिमिनरी रिसिप्ट बुक, वो सब चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ता है। जितने भी प्रॉपर्टी है इस बीओ के अंडर, सारा चीज़ देखरेख में रहना पड़ता है। तो बीपीएम का जो काम ये सब जो ये सब चीज़ कर लेता है, कन्वेंस कर लेता है, वो सब आदमी के लिए बीपीएम पोस्ट अच्छा है। और बीपीएम में जो रेवेन्यू जनरेटिंग काम रहता है, बीपीएम को जो कमीशन मिलता है, जो TD ज़्यादा करता है, TD में कमीशन आपको मिलेगा 2%, 5 years TD करेंगे तो 2% कमीशन गवर्नमेंट देता है। फिर अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो 2.5% RPLM देता है, स्टार्टिंग में 20% देगा, 10% देगा, इस तरह से RPLM में 10% देता है स्टार्टिंग प्रीमियम का, एक साल तक देगा, फिर उसके बाद 2.5% प्रीमियम का इंसेंटिव मिलेगा प्रीमियम का। उसके बाद PLI में एक साल 20% मिलेगा प्रीमियम का, 20% कमीशन, उसके बाद 2% मिलता है। तो जो मेन काम रहता है कमीशन वाला, आप RPLI ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उसके बाद RPLI PLI कर सकते हो, TD कर सकते हो, उसके बाद IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो कार्ड होता है, जिसमें PM किसान का पैसा, जिसमें मनरेगा का पैसा, जिसमें सब्सिडी जो आता है गैस का, जिसमें स्कॉलरशिप, वो सब जो अकाउंट खुलता है कार्ड, वो सब कार्ड खोलोगे तो उसमें कमीशन देता है डिपार्टमेंट। तो ढेर तरह का काम होता है, जैसे हमारे पास अभी देखो TD कमीशन बना कर रखे हैं, और आज ही भेजना था लेकिन भूल गए, ये देखो हमारे पास TD कमीशन है जुलाई और अगस्त महीना का, और RPLI कमीशन मेरे अकाउंट में आता है, तो अकाउंट में ही दे देता है RPLI कमीशन, TD कमीशन हैंड टू हैंड दिया जाता है, और IPPB कमीशन अकाउंट में ही आ जाता है। तो ये सब मेन जो एरिया है, IPPB, RPLI और TD, ये तीनों अकाउंट पे अगर फोकस करोगे तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा, 40-50 हज़ार तो ऐसे ही हो जाता है। सो अगर आप पोस्ट ऑफिस में आए हैं, बीपीएम बने हैं, तो आपको जरूर यूटिलाइज़ करना चाहिए इस पोस्ट का। आप ज़्यादा से ज़्यादा TD कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट फिक्स कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा IPPB का अकाउंट खोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड का काम कर सकते हो, आधार कार्ड का भी काम बीपीएम को मिलता है। तो ज़्यादा करोगे तो पैसा मिलता है, 10 रुपया एक आधार कार्ड पे मिलेगा, एक आधार मोबाइल लिंक करोगे तो 10 रुपया कुछ पैसा मिल जाता है, तो ढेर सारे फायदा मिलता है। अगर 1,000 भी आधार कार्ड कर दिए, 10,000 ऐसे फायदा हो जाता है हर महीने, तो 10,000 नहीं होगा, एवरेज 100 भी अगर आधार कार्ड अपडेट करते हैं एक महीने का, तो 1,000 तो ऐसे ही आपको आ जाएगा, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाता है। तो इस तरह का काम रहता है, कमाई होता है बीपीएम में, आप लोग को आना चाहिए, बीपीएम पोस्ट जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। ऑफिशियल काम रहता है, ऑफिस के अंडर आराम से ठंडे दिमाग से काम करेंगे, हाँ, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, पोलाइटली बात करना पड़ेगा, एटीट्यूड दिखाओगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है, पब्लिक गुस्सा आएगा, कंप्लेन कर देगा, ढेर सारी चीज़ होगा, ठीक। और ऐसे ही काम होता है बीपीएम का, हमारा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही हम काम करते हैं, लोगों से पोलाइटली बात करते हैं, लोगों का प्रॉब्लम समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है, लोगों को लगता है कि हाँ उनके साथ हम हैं, तो लोगों को प्यार, हर लोग को प्यार का
कमी महसूस होता है, तो आप अगर अच्छे से बात करोगे तो आपसे जुड़ जाएगा इमोशनली, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से काम कर सकते हो ऑफिस में, जो भी टारगेट्स डिपार्टमेंट और पोस्ट देगा आप टाइम टू टाइम फिलअप करते जाओगे। हमारा तो यही ट्रिक्स रहता है, हमारा यही एटीट्यूड है 4 साल में जो सीखा है हमने। पहले मेरा भी एटीट्यूड खराब था, किसी को भी गुस्सा के बात कर देते, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ा पूरा सब कुछ समझ गए और नॉर्मल हो गए, ठीक है। आई होप आप लोग भी सब कुछ समझेंगे, एटीट्यूड नहीं रखना है, बैड एटीट्यूड, गाली गलौज नहीं करना है पब्लिक के साथ, मार काट नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको अर्निंग भी बढ़ेगा और काम करने में मन लगेगा और आपका नाम भी होगा अपने ब्रांच ऑफिस में। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ऑलरेडी भूख लग गया बहुत जोर का, घर जाते हैं। नमस्कार, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल, नमस्कार, जय हिंद।